अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मलिक व्लॉगर ऑफिशियल। जी फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आपने अपने घरों में, आपने अपने फैमिलीज के साथ, उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। जी तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से जा रहा हूँ यहाँ पर ट्राम स्टेशन से मैंने जाना है बिलग्रेड, और बिलग्रेड से ऑनवर्ड मैंने जाना है टर्की। छोटा सा एक विजिट है टर्की का, तो आपके साथ रहते हैं, इसको इंजॉय करते हैं इस ट्रिप को। जितने भी रास्ते में खूबसूरत व्यूज़ मिलते हैं ऑनवर्ड टर्की तक आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल ट्राम स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक हूँ। मेरे घर से बिल्कुल नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे 5 मिनट्स की वॉक है। तो ये देख रहे हैं आप, वेदर बड़ा ज़बरदस्त है आज यहाँ पर। कल भी बारिश हुई थी और आज भी वेदर बड़ा ज़बरदस्त है। जी तो फ्रेंड्स, ये सामने जो है ट्राम स्टेशन है। ट्राम स्टेशन के अंदर जाता हूँ, आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। सामने उस तरफ मैकडोनल्ड है, तो यहाँ पर सिग्नल जो है ग्रीन हो गया है, तो मैं यहाँ से अपना रोड यहाँ पर क्रॉस करूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये है नोवी साद का ट्राम स्टेशन है। अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से अंदर से जाके हमने टिकट लेनी है बिलग्रेड के लिए। बिलग्रेड से फिर जाएंगे आगे उधर एयरपोर्ट पर, बिलग्रेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और ये थोड़ा सारा इसका व्यू है, यहाँ पर सारी ट्राम्स खड़ी हैं, आपको अंदर से भी दिखाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ पर इसका इंटीरियर है बिलग्रेड ट्राम स्टेशन का। मैंने यहाँ पर टिकट ले ली है। टिकट लेने के बाद अभी मेरी जो ट्राम है वो निकलेगी 11:55 पर, तो इसके साथ मैं थोड़ा सारा आपके साथ और शेयर करता हूँ इसके व्यू। यहाँ पर पूरे यूरोप के लिए यहाँ से ट्राम निकलती है, पूरे बिलग्रेड के लिए, जितनी भी इनकी सिटीज़ हैं वहाँ के लिए इनकी ट्राम्स निकलती हैं। और अगर किसी ने यूरोप जाना हो तो यूरोप के लिए भी यहाँ से बसेस निकलती हैं। वेदर बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पर, क्लाउडी वेदर है। अभी मैंने वेदर फोरकास्ट देखी तो नहीं, लेकिन हो सकता है यहाँ पर आज बारिश हो जाए। तो ये जो है ट्राम स्टेशन का जो है प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर सारी बसेस खड़ी होती हैं इनकी। और इनका जो सबसे बेस्ट ये है कि इनकी कोई ओवर स्पीडिंग नहीं होती, इनका टाइम है, जिस टाइम पे निकलना है, जिस टाइम पर पहुँचना है। तो ये जो है इनकी सारी बसेस हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये है इसका ट्राम स्टेशन, आपके साथ मैं शेयर करके चलता हूँ इसको। जी तो फ्रेंड्स, ये आ गई है, यहाँ पर बस आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मैंने यहाँ पर निकलना है बस में, 11:55 पे निकलेगी ये। जी तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर ट्राम में बैठ चुका हूँ। ये ट्राम निकलेगी नोवी साद से बिलग्रेड के लिए। ऑलमोस्ट 1 आवर की जर्नी है यहाँ से बिलग्रेड के लिए। तो बिलग्रेड पॉइंट के फिर वहाँ से मुझे एक और ट्राम लेनी पड़ेगी, जो मुझे फिर जो स्पेशली चलती है एयरपोर्ट ट्राम्स, जो फिर मुझे बिलग्रेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लेकर जाएगी। फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह, तो जर्नी भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेट्स हैव अ लुक। जी तो फ्रेंड्स, ये यहाँ से अभी बस अपने स्टेशन से निकल रही है। जैसा कि यहाँ का टाइम था 11:55 का, तो उसी टाइम पर जो है बस यहाँ से मूव कर रही है। तो इसमें 1 आवर की जर्नी है यहाँ से बिलग्रेड के लिए। लवली वेदर, क्लाउडी, और इंशाल्लाह बारिश भी हो जाएगी। तो ये ट्राम स्टेशन का व्यू है। जी तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ पर मैकडोनल्ड। जैसे रास्ते में आते हुए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैकडोनल्ड है, तो बड़ा ज़बरदस्त इसका एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। कभी आप नोवी साद आएँ तो यहाँ पर इसका मैकडोनल्ड यहाँ पर ज़रूर जाएं, बड़े ज़बरदस्त इनके फूड होते हैं। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर रोड पर।
जी तो फ्रेंड्स, ये अब हम बेलग्रेड में दाखिल हो चुके हैं, जो इनका जो सिटी है बेलग्रेड सिटी, यहाँ पर हम लोग दाखिल हो चुके हैं। अभी जो बस है वो चल रही है अपना ट्राम स्टेशन की तरफ। अर्ली है, 8-10 मिनट लगेंगे तो ट्राम स्टेशन हम लोग पहुँच जाएंगे। तो ट्राम स्टेशन से फिर आगे का जो है रास्ता वो भी आपको बताता हूँ। जब तक कि आप थोड़ा सा सिटी का व्यू देखें, बेलग्रेड सिटी देखें, आप इसको इंजॉय करें। जी तो फ्रेंड, ये इनका है ड्रॉप एरिया। यहाँ पर जो है इसने बस ने यहाँ पर ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है साथ ही इनका स्टेशन है, बस स्टेशन। यहाँ से ड्रॉप करके और ये जो बसेस हैं डायरेक्ट फिर चली जाती हैं अंदर बस स्टेशन में, फिर दूसरी राइड के लिए तैयार होती हैं। आपको लुक दिखाता हूँ इसकी। जब मैं पिछली दफ़ा आया था तो ये बिल्डिंग्स कुछ बन रही थी, जैसे ये रेड जो बिल्डिंग है ये बन रही थी, पहले नहीं थी ये, तो बड़ा ज़बरदस्त मेंटेन किया इन्होंने। जी तो फ्रेंड, ये जो सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये ट्राम स्टेशन का बस स्टेशन। यहाँ से फिर जो है बेलग्रेड से जो है यहाँ से फिर फर्दर जिसने जहाँ जाना है, जिस सिटी में जाना है, तो यहाँ से वो बस के ज़रिए जा सकते हैं। ये जो है यहाँ पर इनका बस स्टॉप है। यहीं से आपको जो है यहाँ से एयरपोर्ट की शटल भी मिलेगी। एयरपोर्ट की जो शटल है वो हर 20 मिनट्स में आती है यहाँ पर। तो उसका जो पहले जब मैं गया था उसमें तो तकरीबन था 350 उसका दीनार उसका रेंट था। अब तकरीबन 7-8 महीने हो गए मैं नहीं गया, तो देखते हैं आज उसका कितना रेंट है, शेयर करेंगे आपके साथ वो भी। अब यहाँ पर वेट कर रहे हैं इसका स्टॉप पे बस का। जी तो फ्रेंड, मुझे यहाँ से मिली एयरपोर्ट की छोटी शटल एयरपोर्ट के लिए। अब मैं यहाँ पर इसमें बैठ गया हूँ। पहले मैंने आपको कहा था ना कि मैं जो है कुछ महीने पहले मैं गया था तो 350 दिनार इनका रेंट था, लेकिन अब जो है वो इंक्रीज़ हो गया 400 दिनार रेंट इसका। तो एनी आओ, जिसको जाना है उसको तो जाना ही है, चाहे रेंट बढ़े या कम हो, लेकिन इन्फ्लेशन भी तो हो रही है ना बहुत ज़्यादा। तो ये है लवली व्यू यहाँ का, रिवर बेलग्रेड रिवर यहाँ पर है जनाब। इसके साथ साथ आपको छोटा सा इसका सिटी का व्यू भी दिखाते चलते हैं, जा तो रहे हैं वैसे भी।
जी तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गया बेलग्रेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर लॉन्च में। मैंने कहा चलिए यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो आपके साथ बनाते हैं, चूँकि काम तो बहुत ज़्यादा रहता है, अपनी इमिग्रेशन करनी होती है, फिर सारे कुछ काम होते हैं, तो इतना ज़्यादा वो नहीं हो सकता। तो ये जो है इंफॉर्मेशन बोर्ड है, इसमें जितनी भी फ़्लाइट्स हैं, जो जिस गेट से जानी है, कितने बजे जानी है, ये सारा गेट नंबर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस गेट उस पर LCD पे होती है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो है फ़्लाइट कौन से गेट नंबर से जाएगी। वैसे तो बोर्डिंग कार्ड के ऊपर भी लिखा होता है, और साथ में ये जो है सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, इधर से आप कुछ भी ख़रीदना चाहें यहाँ से ख़रीद सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जी तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रहा हूँ अपने यहाँ पर गेट नंबर पे, गेट C08। तो वहाँ पर पहुँच के इमिग्रेशन तो हो गई क्लियर, तो उसके बाद अभी इंशाल्लाह गेट नंबर पे जा रहे हैं, जहाँ पर मेरा नहीं बल्कि प्लेन यहाँ पर चलेगा यहाँ से। तो मिलते हैं। जी तो जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ, अभी C05 to 14 यहाँ पर इसी तरफ जाना है, नंबर लिखे हुए हैं हर गेट के ऊपर। जी तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अब पहुँच गया हूँ गेट नंबर C08 पर। यहाँ से जो है अब मुझे जो है जहाज़ में बैठना है, और भी पैसेंजर आ रहे हैं, अपने अपने जो है यहाँ पर वेट करेंगे अब। तो इसके साथ ही यहाँ पर जैसे ही जहाज़ आएगा, वहाँ जो है इसके साथ ट्यूब लग जाएगी, ट्यूब से होते हुए फिर जो है जहाज़ में बैठना है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग जो मैंने आपका जो है बेलग्रेड एयरपोर्ट तक और जहाज़ में बैठने तक मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा जो टर्की की जो वीडियो है, फिर इंशाल्लाह मैं टर्की में आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये बैठ चुका हूँ मैं जहाज़ में, इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।